हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की आने वाली स्टोरी में एक जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट आने वाला है। गाइस, अब तक तारक मेहता जो भी सोसाइटी में भूतनी का नाटक कर रहे थे, गाइस वही भूतनी अब सोसाइटी में सामने आने वाली है। जी हाँ गाइस, उस वाली भूतनी की एंट्री कुकुलम सोसाइटी में होने वाली है। जैसा कि हमने अपकमिंग प्रोमो में देखा कि तारक मेहता के बॉस सोसाइटी में आते हैं और सब्जी वाली के साथ साथ तारक मेहता अपने बॉस के सामने भी भूत वाली का नाटक करते हैं। लेकिन गाइस, हो सकता है कि तारक मेहता के बॉस तारक से कुछ ऐसी बातें पूछें जिसके बाद के तारक मेहता का भांडा फूटते फूटते रह जाए और तारक मेहता जिन्हें कि अपना ये नाटक कंटिन्यू करना है, इसके लिए सोसाइटी में वो एक नकली एक्ट्रेस को लेके आए जो कि भूतनी बनकर कुकुलम वासियों को डराए, जिससे कि ये बात साबित हो जाए कि सच में तारक मेहता को कोई भूतनी दिखती है। तारक मेहता कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। और गाइस, हो सकता है कि ये सब नाटक टप्पू सेना के साथ मिलकर तारक मेहता करें, क्योंकि इस नाटक में टप्पू सेना ही है जो कि उनका बराबर साथ दे सकती है। गाइस, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर तारक मेहता का भंडा फूटा तो टप्पू सेना भी पकड़ी जाएगी और तारक मेहता के कहने पर ही टप्पू सेना को ये सब कुछ करना पड़ेगा। गाइस, वो भूतनी गोकुलम सोसाइटी में आएगी, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि रिसेंटली सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ पिक्चर सामने आई हैं जिसमें कि वो भूतनी गोकुलम सोसाइटी में दिखाई दी है। तो वही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भूतनी के साथ शूटिंग की गई है, तो यहाँ पर टप्पू सेना अगर भूतनी को सोसाइटी में लेके आएगी और नाटक करवाएगी तो वो कोई ना कोई और ही लड़की होगी जो कि टप्पू सेना और तारक मेहता के कहने पर गोकुलम वासियों को डराएगी। ये बात साबित हो जाए कि सचमुच में तारक मेहता को कोई ना कोई भूतनी दिखती है। तारक मेहता की एक एक बात बिल्कुल सच है।